शहर के वार्ड संख्या 11 में नगर परिषद प्रशासन की ओर से एक नवीन नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। करीब 7-8 लाख रुपए के बजट से तैयार हो रहे उक्त नाले के निर्माण के बाद डिग्गी मोहल्ला क्षेत्र में बरसात के दिनों में भरने वाले पानी की समस्या से निजात मिलेगी। डिग्गी मोहल्ला चौराहे से लेकर भगत चौराहे तक बनने वाले नाले के बनकर तैयार होने के बाद डिग्गी मोहल्ला क्षेत्र में भरे पानी की निकासी का दबाव कम होगा। बरसात के दिनों में पानी निकासी के दबाव के कारण पूर्व में नाले ओवरफ्लो हो जाते थे, जिसके कारण पानी पुनः डिग्गी चौक में एकत्रित हो जाता है, लेकिन उक्त नाले के बन जाने के कारण चौक का सारा पानी बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। वार्ड पार्षद पति अजय स्वामी ने बताया कि वार्ड विकास कार्यों के लिए पार्षद श्रीमती संतोष शर्मा की ओर से किए जा रहे प्रयासों के चलते वार्ड में उक्त नाले तथा नालों की साफ सफाई, टूटे फेरो ब्लॉक दुरुस्त करवाने तथा लीकेज पाइपलाइन को ठीक करवाने के लिए परिषद प्रशासन की ओर से करीब 9 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इसी बजट से इस नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। शर्मा ने बताया कि डिग्गी चौक से पानी निकासी की समस्या को लेकर पूर्व में पुराने नाले की सफाई करवाई गई है, जिसके कारण पानी निकासी की समस्या से निजात मिलेगी। मेरे वार्ड में बरसों से पानी भरा की बरसात के दिनों भारी समस्या रहती थी और वार्ड वासियों के आशीर्वाद से सहयोग से मैंने विक्रांत होटल होते हुए एक नए नाले का निर्माण करवाया है, जिससे कि पानी निकासी जो डिग्गी चौक में जो तालाब नुमा पानी भरता है उसकी निकासी एक तो है ही निकासी के लिए, लेकिन एक दूसरा नए नाले का निर्माण करवाया जो एक आध दिन में पूरा पूर्ण हो जाएगा, जिससे क्या पानी तो भरेगा बरसात का पानी तो, लेकिन जो पानी की जो निकासी घंटे घंटे दो दो घंटे जो जमा रहता था वो आधे से पौन घंटे के दरमियान में पानी की निकासी हो जाएगी। ये मेरे वार्ड की एक बहुत बड़ी भारी समस्या थी। इसमें से कुछ तो राहत मेरे वार्ड परिवार वासियों को मिलेगी और आगे भी प्रयास है। मैं नगर परिषद प्रशासन में लिख के दिया हुआ है बरसात पूर्ण जो नालों की सफाई जो मैंने करवाई थी, जो JCB के द्वारा जो नाले परसों से ब्लॉक थे उनकी सफाई कराई, इससे भी अभी बाहर पानी की भराव क्षमता कम हुई है, लोगों के घर में जो पानी जाता था उसमें भी कमी आई है और लोग संतुष्ट हैं कि पानी की नाले की सफाई और ये नाले बनने से मेरे को और बेनिफिट मिलेगा। ब्यावर शहर में राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय अमेरिका जापान जर्मन की मशीनों द्वारा आंखों की जाँच मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर मौर्य आंखों के अस्पताल में किए जाते हैं। जर्मन की लेजर मशीन से आंखों के लेंस की सफाई एवं काला पानी की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एल्पिस माइक्रोफेको तकनीक द्वारा बिना चीरा, बिना टांका, बिना सुई के ट्रॉपिकल से फोर्डेबल, मोनोफोकल से मल्टीफोकल एवं टॉरिक लेंस प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मिलने का स्थान OPD सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। तो पता नोट कीजिए, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल अजगर बाबा थान के पास सेंद्रा रोड ब्यावर। डॉक्टर मौर्य MS फेको सर्जन, 9 गोकुल नगर कटारिया कॉलोनी के पास गणेशपुरा रोड ब्यावर। मोबाइल नंबर 94142 64461।